ससुराल वालों की मुबैना हिरासानी से एक तालीम याफ्ता शादीशुदा खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी की रहने वाली 22 साल अमरीन बेगम की शादी किशन बाग कोटे रेड्डी गुड़ा के रहने वाले मोहम्मद रफीकुद्दीन के साथ 3 मार्च 2019 को अंजाम पाई थी। अमरीन बेगम बीटेक कामयाब थी। तालीम याफ्ता होने की वजह से वो मोबाइल पर चैटिंग किया करती थी। उसकी चैटिंग से रफीकुद्दीन और उनके अफराद खाना को अमरीन बेगम पर शक होने लगा, जिस पर उन लोगों ने अमरीन बेगम को हिरासा करना शुरू कर दिया, जिस पर अमरीन बेगम ने इतवार की शाम के औकात में छत से लटक कर फांसी ले ली। अमरीन बेगम के वालिद मोहम्मद गौस को उसकी इतला दी गई कि अमरीन बेगम की तबीयत खराब है। मोहम्मद गौस के हैदराबाद आने तक अमरीन बेगम को दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मुतवफिया अमरीन बेगम के वालिद मोहम्मद गौस ने बताया कि उनकी दुख्तर ने बीटेक तक तालीम हासिल की है और वो अपनी सहेलियों के साथ चैटिंग करती होगी, लेकिन शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, जिसकी वजह से अमरीन बेगम की जान चली गई। बहादुरपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके रफीक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। रिश्तेदारों की हिरासानी की वजह से नई शादीशुदा ख्वातीन की जान चली गई या फिर उनकी जिंदगी अजरन हो गई है। रफीक को अगर अपनी बीवी पर शक हो गया था तो वो अमरीन बेगम से बात करके इत्मीनान कर सकते थे, लेकिन वो और उनके अफराद खाना ने अमरीन बेगम को हिरासानी का निशाना बनाया, जिसके सबब एक इंसानी जान तल्फ हो गई। किशन बाग में रहते रफीकुद्दीन बल्कि उनको दिए हमारे रिश्तेदारों में है, बल्कि अच्छा खानदान रहता, बल्कि अच्छे लोग रहते, बल्कि दिए। शादी होने के बाद में 2 महीने से कायदर करना शुरू करे। क्या किस टाइप का हरासमेंट हो रहा था आपके? इस टाइप का बोले तो किसी से कॉलेज में आप पहले शादी से पहले किसी से बात करते थे, इलीगल अफेयर करते थे, ऐसा करते थे। वो उन्होंने एक कंपनी में काम करने से कुछ निकाल के वो करके बच्चे को फिजिकली ऐसा सता है। बच्ची के शोर है, एम्प्लॉय है, आईटी एम्प्लॉय है। अच्छा, आपकी बच्ची हाउसमेड है? हाउसमेड जी। बेटे कंप्लीट होना करे। अच्छा, क्या नाम आपकी बच्ची का? अमरीन बेगम। अमरीन बेगम की क्या उम्र क्या है? 22 ईयर। सोसाइटी कितना करके केरोसिन डाल लिया है, हैंगिंग हुआ है, हैंगिंग सेल्फ हैंगिंग करते हैं। सोसाइटी रोड वगैरह बोली कुछ नहीं मालूम? उससे पहले आप लोग कोई फोन वगैरह कुछ नहीं था जी? बोलिए आगे क्या हुआ? हरासमेंट हो रहा था। हरासमेंट हो रहा था? क्या हरासमेंट हो रहा था? किसी से बात कर रहे हैं, किसी से ये कर रहे हैं, आपको शादी से पहले कुछ था, ऐसा था, वैसा था, बोल के मैं आप चैटिंग करते देखा, वो देखा, ये देखा, बोल के निकाल के कुरान शरीफ लेके आगे, कुरान शरीफ के कसम खिला के, उसके बाद में बच्ची के पीछे रोज रोज सताना, डेली सताना, डेली फिजिकली ये करना, रात में ये करना, रातों को नींद ये करना, बच्ची सोती नहीं, टॉर्चर करते 10-15 दिन से। तो डेली मैं फ़ोन कर रहा था, डेली मैं कर रहा था, हमारे घर वाले कर रहे थे, कैसे ये क्या है, कैसे ये क्या है। अब परसों भी आके मैं मिल के गया, मिल के जैसे ले के जाता हूँ घर को, 1-2-4 दिन के बोलता मैं बकरीद आ रही ना, बकरीद में जब आती हूँ आती हूँ पापा, बोलते बड़ी बच्ची। बच्ची जो सुसाइड करी आपके घर में करी यानी उनके घर में? बच्चे के घर, बच्चे के घर। ठीक है, आपको क्या बोला? सुसाइड करी बच्ची, बच्ची सुसाइड करी या वो लोग डाल के बच्ची के ऊपर कर रहे हैं वो अपने को नहीं मान। अच्छा, हाँ अभी जाके मैंने हॉस्पिटल में डेड बॉडी देखा ना, तो ऊदी नीली पीली हो गई, ऐसा हो गया मेरे हिसाब से, वो सुबह हुआ या शाम में हुआ ऐसा दिख रहा। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं मतलब पुलिस से? क्या चाह रहे हैं आप पुलिस से? किस टाइप की हेल्प चाह रहे हैं? हाँ हेल्प चाह रहे हैं, वो उनके ऊपर केस करके वो हिसाब से ऐसा करना है, क्या करना है देखते। आपको लड़की कौन होना था? भतीजी होना। भतीजी होना है? आप चाचा है लड़की के? ताया हूँ। ताया है? अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं भैया? पुलिस से, पुलिस से मदद चाहिए हमारे को, पुलिस से पूरी है तो हमारे को पूरी कॉपरेट चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे इंसिडेंट ना हो, और जो बच्ची को जब ये इंसिडेंट हुआ है, ये लोग करे हैं हरासमेंट, इनका पूरा जो है जो कुछ भी है वो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन का पूरा रिजल्ट चाहिए हमारे को, पूरा पूरी कम्प्लीटली रिजल्ट चाहिए हमारे। तो आप लोग कंप्लेंट कर दिए? ऑलरेडी कंप्लेंट हो गया, सारा इशू हो गया है, जो कुछ भी होगा इनके पूरा जो कुछ भी है इनसे, पुलिस से हमको पूरी मदद चाहिए, मदद होने के बाद में दोबारा शहर में फिर कभी ऐसा ना हो। किस पे डाउट है? जैसे उनके शौहर है और किसी और? कंप्लीटली फैमिली है, मगर टोटली है 100% शौहर पे आता है। किसका किसका नाम दिया? उनके 4-5 भाई है, 4-5 भाइयों है, उनकी पूरी फैमिली है, उनका नाम दिए हुए है ऑलरेडी, और जो है इन्हों जो बच्चा जो है वो एक हाईटेक कंपनी में काम करता है, कोई
साइबरनेट में उसकी जो रिपोर्ट निकाल के तंग कर रहा था बच्ची को और कुछ भी नहीं, कॉल डाटा पूरा निकाल के कॉल डाटा जो वैसा रहकर रहता तो तुम शादी से पहले निकाल कर लेना था सब ये चीज। अब शादी के बाद हरासमेंट क्या करना है, चलो हरासमेंट भी करे तुम बच्ची को छोड़ देना था लिखा ऐसा है बोल के बच्ची को हैंग करने तक आप हैंग करने पर मजबूर कर देगा, तुम हैंग कर लो मैं देखता हूँ बोलते क्या हैंग कर लो देखता हूँ मैं तो कोई भी बच्ची कर लेती हूँ। नहीं किसी की भी बच्ची को हैंग करो नहीं बोल सकता ना कोई, जब तुम्हारे पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसमें कायम नहीं करे तो बड़ों को तो भी बुला के बात करना था क्या बोलते हैं जी। बस इसके लिए एक्शन चाहिए, एक्शन लेके उनसे जो कुछ भी है पूरा उसका रिजल्ट चाहिए, पूरा कम्प्लीटली जो कुछ भी हुआ है इनके साथ मेरे भाई की बच्ची के साथ तो पूरा उसका कम्प्लीटली मेरे को पुलिस उस्मानिया हॉस्पिटल में।